हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मेनिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 9 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट अवेटेड टॉपिक आई कुड से, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। हम सभी जानते हैं कि कंपनी की टोटल कैपिटल में प्रोपोर्शन होता है। यूजुअली मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने ये फाइनेंशियल डिसीजन शुरू किया था, और अगर नहीं समझा है तो आप चैप्टर 9 से रिलेटेड हमारे चैनल पर जो पिछली वीडियोस हमने जो अपलोड की हैं आप वहां पर जाकर समझ सकते हैं, जहां पर फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की टोटल कैपिटल को रेज करने के लिए कंपनी के पास जो ऑप्शन है बहुत सारे होते हैं। बेसिकली कंपनी के पास दो सोर्सेज होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। आप क्या जानते हैं कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो कॉम्बिनेशन है ओनर्स फंड जिसे इक्विटी बोला जाता है और बोरोड फंड जिसे हम डेट बोलते हैं। तो एक्चुअली कंपनी की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शन है, उसका एक प्रोपोर्शन इक्विटी होता है और एक प्रोपोर्शन डेट होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। अब सवाल ये उठता है कि ये डिसाइड क्यों किया जा रहा है, क्यों अगर ये जो प्रोपोर्शन है या अगर प्रोपोर्शन सही नहीं बैठता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज डिसाइड की जाती है या कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन लेने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर इतना जो दिमाग क्यों लगाया जा रहा है, क्यों सोचा जा रहा है कि डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होगा। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने इस चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो पहली वीडियो देखी होगी तो आपने वहां समझा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बिना एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के अचीव नहीं हो सकता। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का भी ऑब्जेक्टिव वही होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, जो कि होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेट टू बी ऑप्टिमल, कि हम किस कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल बुला सकते हैं, और विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक ऑप्टिमल, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते। शेयर होल्डर्स को इससे मतलब नहीं होता है कि कितना प्रोपोर्शन डेट का है और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का है। ऑल दे वॉन्ट देयर वेल्थ टू बी मैक्सिमाइज, और हम जानते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ होती है उनके शेयर के प्राइस। वैसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर 2:1 होता है, यानी 2 पार्ट ऑफ डेट एंड 1 पार्ट ऑफ इक्विटी। मैं पहले भी अपनी फाइनेंसिंग की वीडियो में बता चुका हूं कि डेट को लेने का रीजन क्या होता है, कंपनी की पहली चॉइस डेट क्यों होती है। पहला, डेट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली इक्विटी से बहुत कम होती है। दूसरा, डेट पर पीए पे किया जाने वाला टैक्स एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है जो हमारी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। तीसरा, डेट से कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है, विच इज डाइल्यूटेड इन केस ऑफ इक्विटी। चौथा, कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वही तो एक रीजन है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कंपनी डेट यूज करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन रिफर्स टू अ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक मिक्स है ओनर्स फंड यानी इक्विटी और बोरोड फंड है यानी डेट। और इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वो होता है जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर ले, और आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, और आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1, या आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है 2:1। अब यहां पर कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितना प्रोपोर्शन डेट से लिया जाए और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी से लिया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच हैज टू बी कैप्ट इन माइंड बाय द फाइनेंस मैनेजर व्हेन ही इज डिसाइडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना होता है जब वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल में बोरोड फंड यानी डेट का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए और ओनर्स फंड का कितना होना चाहिए। तो वो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है कैश फ्लो पोजिशन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डेट, इसलिए आप देखिए
कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो में ज्यादा प्रोपोर्शन डेट का होता है, तो कंपनी की पहली चॉइस डेट ज्यादा होती है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी पूरा डेट पर जाए, नहीं, पूरा डेट पर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, और पूरे डेट पर इसलिए भी नहीं जा सकती क्योंकि कोई भी कंपनी बिना शेयर्स के फॉर्म नहीं हो सकती, स्पेशली पब्लिक कंपनी। तो सबसे पहला जो हमारा पहली जो हमारी पसंद होगी वो डेट होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा फाइनेंस मैनेजर ध्यान में रखेगा जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है, जब वो ये डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोपोर्शन डेट का होगा और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का होगा। तो सबसे पहला कैश फ्लो पोजिशन। जैसे कि हम जानते हैं कि डेट पहली पसंद तो हम डेट ही लेंगे ना, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेट जब कंपनी रेस करती है तो रेगुलर इंटरवल में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और इंटरेस्ट एक कैश एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट देने के लिए यानी पैसे देने के लिए, पैसा होना भी तो चाहिए ना, कैश देने के लिए द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो कंपनी कैन गो फॉर डेट इफ कंपनी हैविंग अ साउंड कैश फ्लो पोजिशन, इफ नॉट कंपनी शुड हैव टू गो फॉर मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। अगर कैश पोजिशन अच्छी है तो डेट पर जाओ, नहीं तो ज्यादा प्रोपोर्शन इक्विटी से लो। दूसरा, रिस्क कंसिडरेशन। हम जानते हैं कि डेट कंपनी की ईपीएस को और कंपनी को बहुत सारे एडवांटेज पहुंचाता है, लेकिन हम एक चीज क्यों बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल रिस्क बढ़ाता है। या इट्स ट्रू, डेट इंक्रीजेस द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी, डेट कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को बढ़ाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाता है, लेकिन गाइज एट द सेम टाइम फाइनेंशियल रिस्क का खतरा भी बढ़ता है। फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देखें, बोलता हूं ना इसलिए कि पुरानी वीडियो देखा करो यार। तो रिस्क ही है, अगर कंपनी रिस्क ले सकती है तो डेट पर जाए, अगर नहीं तो इक्विटी पर। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर, अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है आईसीआर। आईसीआर निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आईसीआर निकालने का ऑब्जेक्टिव होता है ये जानना कि क्या पास्ट में जब जब फर्म ने डेट से पैसा रेज किया है तो क्या इंटरेस्ट पे कर दिया था। इसलिए आप जानते हैं कि आईसीआर का जो रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलता है कि कितने बार। ICR shows the firm's ability to pay the interest. अगर firm का ICR ratio high है, यानी times में जो ratio निकल के आता है 5 times, 6 times, 7 times. If that ICR ratio is high, company जा सकती है हमारे debt पर, और वहीं अगर ICR low है तो ये show करता है कि past में firm capable नहीं थी लिए गए पैसे पर interest देने के लिए। Then debt service coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम देखते हैं कि क्या फर्म ने इंटरेस्ट दे दिया था, लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो में ये देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दिया गया था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अगर डेट से पैसा रेस कर रहे हो, द ओनली थिंग यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी तो देना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं कि आईसीआर हायर है तो काम बन जाएगा, डीएससीआर का भी हायर होना बहुत जरूरी है। तो DSCR शो करता है फर्म्स की एबिलिटी टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ICR का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि वन मार्क में ये चीजें आ सकती हैं कि ICR का फॉर्मूला क्या है। तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट इज द फॉर्मूला ऑफ ICR, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो की यार चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं बता रहा हूं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं PIN, पिन, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है, प्लस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो पिन अपॉन PI, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन यानी इंटरेस्ट। तो ये हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो का ये फॉर्मूला था। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सारा रायता फैला तो इसी चक्कर में है ना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे इतना दिमाग क्यों लगाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बढ़ाना है, यानी जस्ट बिकॉज कि उन्हें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है इक्विटी शेयर होल्डर की। और इक्विटी शेयर होल्डर को डजंट मैटर, दे डजंट मैटर, दे डोंट, इट डजंट मैटर टू देम। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितना प्रोपोर्शन डेट से ले रही है, कंपनी कितना प्रोपोर्शन इक्विटी से ले रही है। ऑल मैटर्स टू देम
that they want their price of the share to be increased. वो चाहते हैं कि जहां पर उन्होंने invest किया है, they want a profitable return, they want a high return of their investment. वो अपने investment का अच्छा return चाहते हैं. तो cost of equity का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि basically capital structure को आप proportion decide करने के लिए हमें cost of equity को ध्यान रखना पड़ेगा. Cost of equity means profit earned by the shareholder, कि उनका EPS हमेशा बढ़ना चाहिए. And that is the major reason. That is the major reason कि हम इतने सारे factors को consider कर रहे हैं. That is the main reason ये सोचा जा रहा है कि debt का कितना हो और equity का कितना हो. Because the main objective is to maximize the wealth of equity shareholder, which is earning per share of the shareholders. Then हम बात करते हैं flotation cost. Flotation cost means cost of raising finance. हर source of finance की अगर बात की जाए, raising cost different होती है. Equity shares की अगर shares की बात की जाए, तो they involve a lot of flotation cost, but as compared to shares, debentures got very less flotation cost. तो फ्लोटेशन कॉस्ट एक बेसिस हो सकता है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट के बेसिस पर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट शेयर्स में होती है और लेस होती है डेट में. देन हम बात करते हैं टैक्स रेट की. तो अगर फर्म हाई टैक्स पे कर रही है तो फर्म डेट ले, क्योंकि डेट पर दिया जाएगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट प्रॉफिट से होगा डिडक्ट, और जब इंटरेस्ट प्रॉफिट से डिडक्ट होगा तो टैक्स भी कम लगेगा. तो इफ फर्म इज पेइंग हाई टैक्स देन इट शुड गो फॉर मोर अमाउंट ऑफ मोर प्रोपोर्शन ऑफ डेट, व्हेयरएज इफ इट इज पेड, इफ द फर्म इज पेइंग लेस टैक्स देन इट शुड हैव टू गो फॉर मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी. देन हम बात करते हैं कंट्रोल. वी नो दैट कि फर्म इज गोइंग फॉर मोर अमाउंट ऑफ मोर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, द कंट्रोल विल गेट डाइल्यूटेड. अगर फर्म ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से लेगी तो जाहिर सी बात है उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा. यानी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शेयर होल्डर बनेंगे तो उनके पास अथॉरिटी शेयर हो जाएगी, तो कंट्रोल शेयर हो जाएगा. तो फर्म डजंट वांट टू शेयर इट्स कंट्रोल, फर्म कैन गो फॉर डेट, क्योंकि डेट से पैसा रेज करने में जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता, और वही कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है शेयर से पैसा रेज करने में. देन हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी. या इट्स ट्रू कि डेट से पैसा लेने से ईपीएस बढ़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है और ईपीएस बढ़ जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेजोरिटी ऑफ प्रोपोर्शन डेट से लिए जा रहे हैं. Why we are forgetting that कि if we are going for more amount of debt, financial risk भी तो बढ़ेगा ना. ज्यादा पैसा अगर उधार ले लोगे तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना. तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना उधार ले लो और इतना ब्याज चढ़ जाए कि आपको कंपनी खत्म करनी पड़े अपने सारे इंटरेस्ट और सारे उधारी पे करने के लिए. तो कह रहे हैं कि फर्म शुड गो फॉर डेट बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक लिमिट तक फर्म को जो है वो डेट से पैसा रेज करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कल को ने ईपीएस बढ़ाना हो तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो. देयर मस्ट बी सम स्पेस, कोई स्पेस छोड़ो, ताकि कल को जब डेट से पैसा रेज करने को अगर नौबत आए तो आप बाहर से पैसा उठा सको. ऐसा ना हो इतने लोगों से उधार ले लो कि उधार मांगने लोग उधार देना ही बंद कर दे, ठीक है ना. तो देन बात हम करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की. अगर बात की जाए तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स सेबी की अपने कुछ गाइडलाइंस है. हम जानते हैं कि वेदर इट्स अबाउट इशूइंग ऑफ शेयर्स और इट इज अबाउट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, इनका जो इश्यू होगा, ठीक है, इनका जो इश्यू होगा विद इन द पैरामीटर्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन कंपनी एक्ट के दायरों के अंदर होगा. तो शेयर्स और डिबेंचर का जो इश्यू होता है वो एज पर द रूल होता है, यानी उसका एक पैरामीटर, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसका एक प्रोसीजर है. तो अगर वो प्रोसीजर, तो अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हम इक्विटी में शेयर्स और डेट में डिबेंचर्स की बजाय हम इक्विटी में रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हैं और डेट में हम लोन ले सकते हैं. तो अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा है तो फर्म को डेट और इक्विटी का दूसरा सब्स्टिट्यूट देना चाहिए. जैसे इक्विटी में शेयर्स का सब्स्टिट्यूट रिटेन अर्निंग हो सकता है और डेट में डिबेंचर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब बात करते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन. या issue of shares always depend upon the market condition. Market condition always influence the decision whether the share to be issued or not. क्योंकि market में दो period होते हैं, bullish period और bearish period. Bullish जब उठ रहा है, bearish जब गिर रहा है. तो अगर bullish phase है तो company equity पर जाती है, ज्यादा proportion of equity पर जाती है, लेकिन अगर bearish है तो company debt पर जाती है. फिर हम बात करते हैं capital structure of other companies. यानी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए दूसरे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से एक आइडिया ले सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज ब्लाइंडली. ऐसा नहीं कि कहते ना कि आप नकल नहीं कर सकते कि मैंने अगर गाड़ी ली है, मैंने अगर बुलेट ली है क्योंकि मेरे पास एक्सेस पैसा था और तुमने सब कुछ बेच के बुलेट ले ली है,
तो आप कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करो, बट यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी ब्लाइंडली। आपको देखना पड़ेगा आपकी कैश फ्लो पोजीशन है, आपको देखना पड़ेगा आपका आईसीआर हायर है, आपको देखना पड़ेगा डीएससीआर हायर है, यानी अदर फैक्टर भी कंसीडर करें। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज आपको एक आइडिया दे सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू फॉलो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज ब्लाइंडली। तो ये थी गाइज आज की वीडियो हमारी, और अगर इस चैप्टर से इस टॉपिक से लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉमर्स मीडिया के नाम से हमारा पेज है वहां पर आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, याद रखिएगा। और हम चैप्टर 9 को कंप्लीट करने के बहुत करीब है, कल चूंकि बात करते हैं कि कल संडे मंडे लग जाएगा, तो कल भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा और हम ये चैप्टर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इसमें खत्म कर रहे हैं। कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जाकर। हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखना, जरूर भूलिएगा लाइक दबाइएगा, क्योंकि यार जब तुम लाइक दबाते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत देता हूं।